हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में वीडियो नंबर 8, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो में चेंज होगा तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जब हम रिजर्व की और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें टोटल दो केस आते हैं। केस नंबर 1, व्हेन रिजर्व एंड प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट, जो हमने डिस्कस कर लिया है इससे पहले वाली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप केस नंबर 1 देखिए कि जब रिजर्व और प्रॉफिट्स को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं। आज हम करेंगे केस 2, जब रिजर्व और प्रॉफिट्स है वो हम कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इसके अंदर क्या केस होता है कि जब पार्टनर्स नहीं चाहते कि जो उनके रिजर्व हैं और प्रॉफिट्स है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। अब इसमें पार्टनर्स खुद से मना कर रहे हैं कि उनके रिजर्व और प्रॉफिट्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। इसके पीछे रीज़न है क्या है कि अगर हम लेके चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स है 4:3:2 और न्यू रेशो ऑफ पार्टनर्स है 1:1:1। तो इस केस में क्या होगा कि जब पार्टनर्स की ओल्ड रेशो तो 4:3:2 है और न्यू रेशो 1:1:1 है, तो यहाँ पर पार्टनर्स को पता है कि अगर उनको 31 मार्च में, अगर आज के दिन अगर उनका रिजर्व का और प्रॉफिट्स का पैसा ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट में तो फिर उनको ओल्ड रेशो में मिलेगा। क्योंकि हमने इससे पहले वाले केस में वही पॉइंट किया था कि जब रिजर्व और प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर उनके ओल्ड रेशो में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो उनको पता है कि अगर आज की डेट में होगा तो वो ओल्ड रेशो में होगा, पर अगर उसको हम रिजर्व को कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स अगर हम न्यू रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम सबको, किसी को ज़्यादा शेयर मिलेगा, किसी को कम शेयर मिलेगा। तो इसी वजह से क्या पार्टनर्स छोड़ देते हैं रिजर्व और प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको आज के टाइम तो मिलेगा वो ओल्ड रेशो में, पर कल उसको फ्यूचर्स में जो उनको रिजर्व और प्रॉफिट्स है वो न्यू रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी वजह से पार्टनर्स नहीं चाहते कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। अभी फिर भी जो है अभी फॉर्म को तो क्या है कि जब रेशो चेंज होगी तो नए नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट होगी, नए अकाउंट्स बनेंगे। अब तो फिर उस केस में फॉर्म को तो रिजर्व और प्रॉफिट्स के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जब पार्टनर्स तो मना कर गए, पार्टनर्स लीव करते हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पर इस केस में क्या होगा कि एक फॉर्म को इस रिजर्व और प्रॉफिट्स के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। एक फॉर्म जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री करेगी ताकि वो रिजर्व और प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स में अपने आप ही एडजस्ट हो जाए और उनके कैपिटल अकाउंट, जैसे वो चाहते थे कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो वैसा भी ना हो। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर क्या होगा, जैसे हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था सेम ऐसे ही ट्रीट करेंगे हम जब पार्टनर्स मना कर देते हैं कि उनके अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए रिजर्व और प्रॉफिट्स, तो सेम एंट्री होगी। उसमें क्या होता है कि जो गेनिंग पार्टनर्स वो कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट ऑन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी उसके पीछे भी रीज़न है कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्यों कंपनसेट करते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि अभी हमने वही देखा कि ओल्ड रेशो थी, फॉर एग्जांपल एबीसी है तो ए की ओल्ड रेशो है वो 4:9 है और उसकी न्यू रेशो है 1:3। तो इस केस में क्या हो गया, ये आ गया 1:9। तो इस केस में क्या किया पार्टनर ने, सेक्रीफाइस किया। हमने फॉर्मूला लगाया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो क्या निकल के आ गया हमारा, सेक्रीफाइस निकल के आ गया। अभी एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और मे भी दूसरा पार्टनर क्या करता हो, गेन करता हो। फॉर एग्जांपल अगर हम सी का देखें तो जो सी का है वो आ जाएगा हमारा 1:9, तो क्या निकल के आ गया, ये गेन। मतलब सेम एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, दूसरे पार्टनर ने क्या किया, गेन किया। तो अभी इस साल तो क्या होगा, इस साल तो उनका, इस साल तो ए को ज़्यादा शेयर मिलेगा,
और नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो तो जब तक रेशो 1:1 रहेगी तब तक ए को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो उस सेक्रीफाइस को ख़त्म करने के लिए, सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए जो गेनिंग पार्टनर है मीन्स सी जो गेन कर रहा है, वो जो रिजर्व और प्रॉफिट्स हैं आज के टाइम में उसका उतना शेयर्स कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि इन फ्यूचर तो ए को ही सेक्रीफाइस करना है। इसी वजह से जो गेनिंग पार्टनर है जो फ्यूचर में गेन करेगा वो कंपनसेट कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ताकि जो उसकी फ्यूचर में जो जितना वो सेक्रीफाइस करेगा उसका कुछ कंपनसेट हो सके उस पार्टनर को। तो सीधा सा मतलब हुआ कि जो गेनिंग पार्टनर है वो उतने शेयर का, जितना कि सेक्रीफाइस हो रहा है उतना शेयर का कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसकी एंट्री भी ऐसे ही होगी कि गेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा, मतलब जो भी गेनिंग पार्टनर है उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो होगा हमारा डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का जो पार्टनर है उसको वो पैसा मिलेगा और गेनिंग पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो गेनिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हर ईयर जो है कंपनसेट करेगा जब तक चेंज नहीं होगी रेशो, हर ईयर सेक्रीफाइस करेगा। तो अभी सी को पता है कि हर बार ए सेक्रीफाइस करेगा, इसी वजह से सी क्या करता है, जितना भी उसका शेयर निकल के आता है उनके उसके रिजर्व और प्रॉफिट से वो शेयर वो ए को कंपनसेट कर देगा। मीन्स सी गेनिंग पार्टनर है तो जो सी है वो कंपनसेट कर देगा ए को, ताकि हर साल तो वो क्या करेगा सेक्रीफाइस करेगा, तो कम से कम इस ईयर तो उसको जो है उस रिजर्व और प्रॉफिट्स का शेयर मिल जाए। तो यहाँ पे एंट्री हमारी क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर है वो दे रहा है पैसा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसको पैसा मिलेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें से मेन बात होगी, जब रिजर्व और प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि हम यहाँ पर जो इससे पहले वाला केस था उसमें हम रिजर्व को हम ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री अलग थी, अभी जब नहीं करते तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी जिसमें गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब हम करते हैं एग्जाम्पल, एक अच्छा सा तो एग्जाम्पल है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। ए और बी पार्टनर एक फर्म में और वो अपनी 4:3 रेशो में जो है प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। ऑन March 31, 2016 बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ₹35,000। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारा एक रिजर्व है, जनरल रिजर्व वो 35,000 का, 35,000 का है। ऑन दैट डेट सेवक इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशो इज 5:3:2। अभी उसी डेट को जो है सेवक एक नया पार्टनर है वो एडमिट होता है हमारी फॉर्म में, और सेवक के आने के बाद जो न्यू रेशो है वो 5:3:2 हो जाएगी। मतलब मेन बात यहाँ पर क्या हुई कि हमारी जो रेशो है वो चेंज हो गई, पहले थी 4:3, अब होगी 5:3:2। और ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है कि ए और बी पार्टनर से पहले उनकी 4:3 थी, अभी वो नेक्स्ट टाइम वो दोनों ही रहेंगे और वही अपने चेंज करेंगे रेशो। रेशो चेंज हो सकती है किसी पार्टनर के एडमिशन होने के बाद भी, किसी पार्टनर की डेथ के बाद भी, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के बाद भी, या फिर कोई दो फॉर्म अमलगमेशन हो तब भी चेंज हो सकती है हमारी रेशो। तो रेशो चेंज होने का कोई रीज़न नहीं है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि दो पार्टनर से वही रेशो चेंज करेंगे, एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम भी जो है चेंज हो सकती है रेशो। तो ये रेशो हो गई हमारी 5:3:2। पास हमें जनरल एंट्रीज करनी है, दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, जब वो चाहते हैं कि उनका जो रिजर्व है प्रॉफिट्स है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। और सेकंड केस है कि जब वो नहीं चाहते, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट, और जब वो नहीं चाहते कि उनका जो रिजर्व प्रॉफिट्स का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। तो सबसे पहले हम करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर एंट्रीज क्या होंगी, जब पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो जनरल रिजर्व है उसका जो पैसा है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, जब ट्रांसफ़र है तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कौन कौन थे हमारे, ए और बी, तो टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट।
जब पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, मीन्स जनरल रिजर्व अकाउंट का डेबिट हो गया और जो उनका पैसा था वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। जो हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस था वो था 35,000 का, 35,000 का हमने निकाला 4/7 मतलब कि 20,000, क्योंकि 4:3 था। फिर हमने निकाला 3/7 मीन्स 15,000। तो सिंपल केस वन था, जब पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट केस है जब वो नहीं चाहते, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट, जब वो नहीं चाहते कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। तो उस केस में हमने क्या देखा था कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो अभी तक हमें नहीं पता कि गेनिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो हम चेक करेंगे कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है। तो ओल्ड रेशो है ए और बी की 4:3 और न्यू रेशो है ए बी, ए की बी की और सेवक की 5:3:2। न्यू रेशो है 5:3:2 और ओल्ड थी 4:3। तो हम चेक करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर कौन सा है। तो सेक्रीफाइसिंग जो पार्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 4/7 माइनस ओल्ड ए का न्यू शेयर कितना है 5/10। वैसे ही बी का, बी का ओल्ड शेयर है 3/7 और बी का जो न्यू शेयर है वो है 3/10। और जो सेवक है उसका कुछ ओल्ड शेयर तो है नहीं, उसका सिर्फ न्यू शेयर ही है 2/10। तो मीन्स का हम निकालेंगे तो आ जाएगा ये 70, 40 - 35 मीन्स 5/70 पॉजिटिव आया है। तो ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस। वैसे इसका निकालेंगे 70, 30 - 21 तो ये हमारा आ गया 9/70। तो ये भी पॉजिटिव है, तो मीन्स इसने भी सेक्रीफाइस किया है। पर यहाँ पे ओल्ड तो कुछ है नहीं, सेवक के केस में सिर्फ न्यू ही है। तो ये ओल्ड तो ज़ीरो हो गया माइनस न्यू, तो आ गया -2/10। ये तो फिक्स है कि अभी नेगेटिव है, तो मतलब ये जो पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर होगा, इसने कुछ सेक्रीफाइस तो किया नहीं। और इस दोनों के जो डिवाइड में वो 70-70 है, इसके डिवाइड में भी 70 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी 7 से नीचे भी 7 से, तो हमारा शेयर आ जाएगा 14/70। तो मतलब क्या हुआ कि ए बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और सेवक है वो गेनिंग पार्टनर है। ए बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड में से, जब हमने न्यू को माइनस किया तो उनका सेक्रीफाइस निकल के आया। ऐसे बी का भी जब हमने ओल्ड में से न्यू को माइनस किया तो सेक्रीफाइस निकल के आया, पर सेवक का ओल्ड कुछ था नहीं तो सिर्फ गेन किया इसने न्यू रेशो के अंदर, तो उसका न्यू रेशो जो है न्यू गेनिंग शेयर है वो 14/70 हो गया। ए का 5/70, बी का 9/70 और सेवक का 14/70। तो जो एंट्री क्या होगी हमारी कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गेनिंग कौन है, सिर्फ सेवक, तो यहाँ पर सेवक का जो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, और जो ए और बी है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री वही थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग यहाँ पर एक ही पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे वो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो हमारा रिजर्व था वो था 35,000 का, उसका हमने निकाला पहले सेवक के अकॉर्डिंग तो आ गया 14/70, तो ये आ गया हमारा 7,000। 7,000 जो है सेवक कंपनसेट करेगा ए और बी को। वैसे हम निकालेंगे अब 35,000 का ए का शेयर निकालेंगे 5/70, तो ये आ जाएगा 2500, और जो बी है उसका आ जाएगा 9/70, तो आ जाएगा 4500। सिंपल सी एंट्री थी, बस ये पता होना चाहिए कि जब भी जो पार्टनर्स हैं वो अपना रिजर्व का, प्रॉफिट्स का जो
शेयर है जो पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो सिंपल एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो, और जब पार्टनर्स नहीं चाहते कि उनका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जिसके अंदर एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे गेनिंग पार्टनर कौन, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन है, और फिर उसके बाद जो गेनिंग पार्टनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और उतने ही शेयर से करेंगे जितना भी शेयर उनका निकल के आएगा। जैसे रिजर्व हमारे पास 35,000 का था, शेयर 14/70 है तो 7,000, और वैसे ही ए का हमने किया ए और बी का कि 35,000 का 5/70 और 9/70। तो सिंपल एंट्री थी। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, ताकि कोई डाउट हो या फिर कोई और टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं हमें, और मेल भी कर सकते हैं। मेल हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मेल आईडी, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं।